हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सब मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप जो वेबसाइट्स ब्लॉक्ड है और आपको वीपीएन यूज करना पड़ता है वेबसाइट्स को अनब्लॉक करने के लिए, उससे कैसे आप वीपीएन यूज कर मतलब वीपीएन बिना यूज करके कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा और जितना सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप वेबसाइट कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं वीपीएन यूज नहीं करके, ठीक है। मतलब आपको वीपीएन नहीं चाहिए और आप आसानी से वेबसाइट अनब्लॉक कर सकते हैं। 2016 या 18 से कुछ कुछ वेबसाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर दिए है जो अभी इंडिया में नहीं खुल रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ YTS का, जो है yts.mx, ठीक है। ये कभी भी नहीं खोलेगा ये डायरेक्ट, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक्ड है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, आप प्लीज इसे वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप एक स्टेप भी मिस कर जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी नहीं खोलेगा, ठीक है। तो हम अभी लोग क्या अभी क्या करेंगे, नया टैब खोल लेता हूँ मैं अभी। वीपीएन जो मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, जेनवेट जो एक्सटेंशन है क्रोम का बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है, इसे मैं यूएस कर लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं कनेक्ट हो चुका है, अभी हमें YTS खोलूंगा, देखिए ये खोल जाएगा YTS.mx, ठीक है। फिर मैं एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है, एक खोल जाएगा, ठीक है। कभी कभार मतलब ये कंट्री चेंज करना पड़ता है, कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी नेट नहीं मिलता है, ठीक है। ये US में नहीं खोल रहा है क्योंकि ये नेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी इसे सिंगापुर कर देता हूँ, अभी देखते हैं ये खोलेगा कि नहीं। रिलोड कर देता हूँ, नो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट में इंटरनेट का वो चेंज कर लेता हूँ, 5 GHz में कर लेता हूँ, नो इंटरनेट दिखा रहा है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, अभी मैं इसको फिर से यूएस कर लेता हूँ, फिर ये खोल जाएगा। अभी देखिए ये धीरे धीरे करके खोल रहा है, इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है इसमें, तो ये खोल जाएगा। तो मैं अभी एक टेक्निक बताने वाला हूँ, अभी वीपीएन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये नहीं खोल रहा है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लिक करके देखते हैं YTS, यहाँ में नो इंटरनेट दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, वीपीएन को क्लोज करूँगा, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट इस 3 डॉट्स में क्लिक करूँगा, फिर आपको सेटिंग्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेटिंग्स में आगे फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, ठीक है। फिर साइट सेटिंग्स जो है आप देख रहे हैं उसमें आप क्लिक कर देंगे एक बार, फिर नीचे आइए एडिशनल कंटेंट सेटिंग्स में क्लिक कीजिए, यहाँ में कुछ भी आप छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है। फिर अब देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक हुआ है, फिर से आप बैक कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए सिक्योरिटी में क्लिक कीजिए, नीचे आइए, ये जो यू सिक्योर DNS है इसको ऑन, ये तो ऐसा ही रहेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है, कस्टम जो है उसे आपको क्लाउडफ्लेयर में क्लिक कर देना है। ये हो गया, एक बार आपको क्रोम को रिस्टार्ट करना है, एक या दो बार आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, मैं दो बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैं YTS खोल रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट खोल जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट खोल चुका है, लेकिन मैं वीपीएन भी यूज नहीं कर रहा हूँ और आज वीपीएन अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ये पूरा अच्छे से खोल गया है। आप कोई भी वेबसाइट जो ब्लॉक्ड है उसे आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं टाइप करके भी दिखा देता हूँ एक बार, yts.mx, एंटर दबाऊंगा तो ये डायरेक्ट खोल गया, ठीक है। तो यही था टेक्निक, जो बहुत एक अच्छा टेक्निक है, आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को अनब्लॉक करने के लिए अगर आप वीपीएन नहीं यूज करना चाहते हैं। तो मैं अभी पहले जैसा कर देता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा।
और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।